this Pehla Kadam is a very nice initiative done by Nivedita Basuji, because it is something that she's taking forward, and being a woman, supporting the woman child is just fantabulous, and I think hum sabko ye Pehla Kadam uthana chahiye. Matlab jo log ab aap bhi औरत हैं, आप भी औरत हैं, और मतलब लोग अगर एक लड़की को या एक लेडी को, एक वूमन को अगर कम समझते हैं, तो आई थिंक उनकी मानसिक सोच में कुछ ना कुछ सुधार लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है. और ये सोच अपने आप में आप लोग सुधार सकते हैं. अदरवाइज द आइडिया इज़ दैट सी द मीडिया इज़ अ बिग वे इन विच दैट वी कैन चेंज पीपल्स थाट्स. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने खड़ी हूँ और पहला कदम लॉन्च कर रही हूँ. टर्निटी में मैंने ऑलमोस्ट 19 साल दिए हैं, और अब वक्त आ गया था कि मैं सोसाइटी को वापस दूँ. इतने साल मैंने लड़कियों के ऊपर डेली सोप्स वगैरह बनाए हैं. ऑब्वियसली हमने देखा है कि हमने हर तरह से लड़की को स्ट्रॉन्ग ही दिखाने की कोशिश करी. इनफैक्ट मेरे मेल एक्टर्स को हमेशा ये कंप्लेन होती थी कि हम लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं और लड़कों का कोई रोल नहीं होता हमारे शोज़ में. तो ऐसा कुछ नहीं है कि होता क्या है कि जो अंडर प्रिविलेज और जो लोअर स्ट्रैटा की लड़कियां होती हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि कनेक्शन चाहिए या पैसे का वट चाहिए या कुछ और चाहिए हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए. तो पहला कदम मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जिसकी मदद से मैं जो भी लड़की ड्रीम करती है उसको फुलफ़िल करने के लिए मैं सहयोगी बनना चाहती हूँ. इन द सेंस कि चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्किल सेट हो, चाहे वो मिस इंडिया बनना चाहती हो, जैसे कि मैंने कहा इसके लिए कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो उन लड़कियों को मैं वो चीज़ देना चाहती हूँ पहला कदम के थ्रू. हेल्थ केयर, लड़कियों के प्रॉब्लम होते हैं, कई बार सिर्फ पैसा नहीं होता, कई बार डायरेक्शन चाहिए होता है. यू नो, अगर जैसे कि हमारा अभी प्लान है कि हम लोग विमेंस जेल में जाएंगे और उन लड़कियों को हम लोग स्किल सेट देंगे ताकि उनको ये ना लगे कि जस्ट बिकॉज देव कमिटेड अ क्राइम एंड दे आर इनसाइड वो कुछ नहीं कर सकती, वो इंडिपेंडेंट हो नहीं सकती इसके निकलने के बाद. तो बहुत कुछ है प्लान और एजेंडा में, और लेट्स होप शुरुआत अच्छी है. हमने ऑलरेडी मिसेज इंडिया के साथ एसोसिएट कर लिया है. एआर मिसेज इंडिया करके एक पैजेंट है जो 25 सिटीज़ में होने वाला है जैन से, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं. देखिए, मैं यहाँ पे किसी को बड़ा या छोटा तो नहीं दिखाना चाहती. अगर किसी वुमन को लगता है कि उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर लोग तंग कर रहे हैं और उनको उस सबसे निकल के बाहर आना है, तो उसकी मदद मैं कर सकती हूँ. बट जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उन सबके मुंह तो नहीं बंद करे जा सकते. बट येस, जहाँ पे हमें हमारे पास लड़कियाँ आएंगी और हमसे मदद मांगेंगी, तो हम डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म बनेंगे कि हम उन्हें मदद करें. नो, पहला कदम एक बहुत अच्छी चीज़ है. वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ ग्रेट थिंग नीडेड इन आवर कंट्री. आपको पता है मेरी मॉम एक सिंगल लेडी, मेरी ग्रैंडमा है, सो आई फील दैट वुमेन एम्पावरमेंट रॉक्स एंड इट्स वेरी मच नीडेड इन दिस कंट्री. जैसा कि अभी कहा भी हमने पहले और निवेदिता से भी बात हुई, तो पहला कदम जो है बिकॉज़ इट इज़ एसोसिएटेड विद बीइंग विमेन, तो एक कदम है कि औरत जो है वो कमज़ोर नहीं है. और ये तो बहुत ही सूडो है, सभी यही बोलते हैं, लेकिन उसको पढ़ाई इक्वल देनी है, उसको स्टेटस इक्वल देना है और कहीं ना कहीं ऊपर, क्योंकि हाँ करेक्ट. और माँ है वो, मेरे ख्याल से तो जितने भी कुरीतियाँ हैं समाज में, all the bad things which happens in society, उसके लिए कहीं ना कहीं even women is responsible. क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को, मतलब बेटे और बेटी में भी फ़र्क नहीं करोगे और बेटों को सिखाओगे कि बेटा तुम और तुम्हारी बहन सेम है, तो आगे जाके वही थिंकिंग धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में चलती जाएगी. तो इसलिए women plays an important role, और women को empower करना बहुत ज़रूरी है, और माओं को, दादियों को, ताकि आगे आने वाली generation जो है, जो लड़के हैं, वो उनको ना किचन में जाने में प्रॉब्लम हो, ना बच्चों के डायपर बदलने में. तो इट दे डोंट थिंक दैट्स अ सेकंड थिंग टू डू, दैट दे थिंक इट्स अ मेन थिंग टू डू. ज़रूरी चीज़ पहला कदम ही होता है. आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो आधा काम आपका पूरा हो गया जिस दिन आपने ये सोचा कि मुझे इस दिशा में एक कदम बढ़ाना है. क्योंकि उसके बाद फिर आप चलना शुरू करेंगे और फिर बीच में जो भी परेशानियाँ आती हैं, जो भी है, बट एटलीस्ट आपने एक अपना लक्ष्य तो रखा है कि आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं. इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट एंड आई विश देम ऑल द लक. और जिसने ये शुरुआत करी है, पहले मैं उससे मिल लूँ. एंड नाइस इनिशिएटिव जो इन लोगों ने लिया है, तो आई एम श्योर देव जस्ट स्टार्टेड इट, और मेरे ख्याल से शुरुआत अच्छी हुई है, तो शुरुआत हुई है तो अच्छी ही होगी. इक्वालिटी अब आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग. पीपल आर अवेयर, लोगों को पता लग रहा है. निवेदिता ने एक नया कदम उठाया है, लोगों को अब और पता लगेगा, और धीरे धीरे एजुकेशन हो रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है. आई एम श्योर हम लोग राइट जगह मूव कर रहे हैं, सो विच इज़ अ गुड थिंग.
तो निवेदिता बासु ने ये जो पहला कदम लिया है फॉर पहला कदम इज़ अ ब्यूटिफुल कदम एंड वेन एवर यू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज वी आर ऑल्सो बिजी आफ्टर आर ओन गोल्स दैट वी फॉरगेट दैट वी आर प्रिविलेज्ड इनफ टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सो ऑल द बेस्ट निवेदिता आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम ग्लैड दैट यू चोज अ रोल फॉर मी विच मैनी अदर्स would actually think twice before choosing because it's quite a contrast to what I've done in my past and I would say that you actually took a risk with me by selecting me for that role and I'm glad that I lived up to your expectations I mean I hope I haven't heard from you after the shoot but yeah thank you I think kuch hi logo ka aisa manna hai and I think logo ki soch ke bare mein hum kuch kar nahi sakte we should just focus on what we need to do for making our life better and for making the society a better place for all of us to live I don't think we should give any power to the people who think in a shallow way so I wouldn't bother even giving them a reaction mujhe lagta hai aise bahut sare kadam aage badhne chahiye jahan par विमेन के लिए या किसी और के लिए भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए बिकॉज जहाँ जो लोग अपनी मदद नहीं कर सकते वहाँ उन लोगों को हाथ बढ़ाना चाहिए जिनके पास इतनी स्ट्रेंथ है ताकत है कहीं ना कहीं नहीं हर जगह देखा जाता है और वो सही आपकी बिल्कुल राय है कि ऐसा होता है बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है जहाँ पर हम बोलते हैं कि विमेन आर वीक एंड आर अपब्रिंगिंग इज सच वेर नो मैटर व्हाट यू से कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाते हैं एटलीस्ट 80% ऑफ the public believes that it's great to have a son I think that needs to change slowly and steadily the change is happening but I really hope the change happens much faster